नमस्कार, मैं सुजीत सिंह। दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। आज हम जनपद जौनपुर के चराकर तहसील अंतर्गत एक गांव ग्राम सभा सुरैला में मौजूद हूँ। आज हम तो यहाँ पर आए हैं और आपको हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं ग्राम सभा के ग्राम सभा सुरैला के तारा उमरी बाणेपुर। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा आगे आकर के इधर से रास्ता जा रहा है दाहिने साइड, इसको दिखाएं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो दाहिने रास्ता ये जा रहा है आगे, यह रास्ता सीधा जो कि बाणेपुर उमरी तारा हसनपुर उदबसपुर पवनी होते हुए आजमगढ़ कसड़े मार्केट के में गोसाईगंज बोला जाता है, वहाँ पर चला जाता है यह रास्ता। और इसी रास्ते पर आपको बड़े मजे की बात यह है, ध्यान देने वाली बात, यह रास्ता इतना चालू है कि इधर से आने वाले, और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा इधर दिखाएं अपने पीछे साइड में। ये पीछे साइड में आप देख सकते हैं कि यह रास्ता इधर से होते हुए सुरैला ग्राम सभा होते हुए आगे जाके पीछे रोड में मिलता है और यह जो है कि कई गाँवों को जोड़ता है। यह इतना चालू रास्ता है कि इस पर दिन रात रात में दो दो बजे तक, तीन तीन बजे तक गाड़ियां इस पर मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर वाले चलते रहते हैं। और ज़्यादातर करके गर्मियों के मौसम में रात भर गाड़ियां इस पर चलती रहती हैं। और बाकी मौसमों में भी यह रास्ता काफ़ी चालू है, जब भी आप देख ही सकते हैं। और इसी रास्ते की हालत है, हम यहाँ देखिए, जब से हम जहाँ पर खड़े हैं, यह एक मोड़ है, कॉर्नर है, और इस मोड़ पर कॉर्नर पर रास्ता टूटा हुआ है, खड्डा हो गया है। हम अपने कैमरा मैन को कहेंगे कि ज़रा रास्ता जो है कि ज़रा उसको जूम करके दिखाएं कि ये खड्डा टूटा हुआ, खड्डा बन गया है। आप देख सकते हैं ये खड्डा टूट गया है, खड्डा बना हुआ है, और यह कितना खतरनाक है कि अगर इधर से सामने से अगर कोई आ रहा है, हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे, हम इशारा कर रहे हैं, ज़रा दिखाएँ कि अगर ये सामने से इधर से रास्ते से कोई आ रहा है, फोर व्हीलर टू व्हीलर, और रात बिरात अगर आई, कोई ध्यान अगर नहीं दिया, तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांस हैं। पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, आइए दर्शकों, हम आपको दिखाते हैं इस इसी रास्ते से आगे दूसरा पॉइंट है। हम अपने कैमरा मैन को कहेंगे कि यह दूसरा खड्डा दिखाएं, क्योंकि यही रास्ता है और यह खड्डा, अपने कैमरा मैन से कहेंगे जरा जूम करके इस खड्डे को दिखाएं, यह रास्ता है और यह रास्ते पर खड़ंजा लगा हुआ है, यह टूट करके इतना बड़ा खड्डा बना है, एक खड्डा, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट वहाँ पर खड्डा मैंने दिखाया, दूसरा पॉइंट खड्डा यहाँ भी दिखाया है। और यह जो है कि देखिए खड्डा कैसा टूटा हुआ है, इसमें अचानक दिन हो रात हो, अगर कोई यहाँ का नागरिक नहीं है, कोई स्थानीय नहीं, कोई बाहर का आदमी है, या रात में भी स्थानीय लोग होते हुए भी रात में भी यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस है। मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, पैदल हो, फोर व्हीलर वाले हो, कोई भी यहाँ पर गिर सकता है, और इसकी सुध लेने वाला कोई भी न अधिकारी है न कोई नेता है। अब इस खड्डे का वीडियो बना करके हमने DM को आज 5 दिन पहले भेज दिया है, और DM को हम इससे अवगत कराने की कोशिश किए, फ़ोन लगाए, 4-5 दिन से हम कंटिन्यू फ़ोन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। लगातार उनके सहयोगी, उनके असिस्टेंट, उनके गनर या उनके चपरासी जो भी रहे, वो फ़ोन उठाते रहे, लेकिन हमने बार बार कहा कि DM साहब से बात करनी है, लेकिन DM साहब से बात नहीं कराई गई और कोई इस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हम कहना चाहेंगे कि चाहे स्थानीय कोई नेता हो, चाहे कोई क्षेत्रीय नेता हो, चाहे कोई जनपदीय नेता हो, चाहे कोई योगी विधानसभा वार नेता हो, या कोई सांसद क्षेत्र का नेता हो, और कोई अधिकारी, यहाँ पर किसी को नहीं पड़ी है, कोई आज तक देखने नहीं आया, लेकिन जिस दिन कोई दुर्घटना घटना घट गई, उस दिन सभी अधिकारी और सभी नेता यहाँ पर पीड़ित को सांत्वना देने के लिए और मौका वारदात स्थल की
जांच करने के लिए सभी लोग यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे। तो क्यों नहीं हम योगी किसी घटना या दुर्घटना के होने से पहले जाग जाते हैं, क्यों हम इंतजार करते हैं किसी घटना दुर्घटना के होने का। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी सरकार, डीएम, सांसद, विधायक, सीडीओ, डीडीओ, बीडीओ, एडीओ, ग्राम प्रधान सबको इस माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि कृपया इस पर ध्यान दें, अन्यथा किसी भी दिन कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। धन्यवाद।